ट्राइब्स ऑफ यूरोपा के एपिसोड 5 की शुरुआत डेविड से होती है, जो उसी जेल में बंद है जिसमें पहले ग्रेटा कहती लिव डेविड के लिए खाना लाती है और उससे पूछती है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। डेविड कहता है कल उसे क्रिम्सन की राजधानी भेज दिया जाएगा। सालों बाद मेरे पास एक अच्छा चांस था ब्रांटो पर हमला करने के लिए, पर फादर ने यह चांस भी खत्म कर दिया। लिव पूछती है लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। डेविड कहता है वह क्रॉस के साथ समझौता करने जा रहे हैं। लिव कहती है यह तो एक अच्छी बात है। डेव कहता है यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पिता ने क्रॉस के साथ समझौता कर लिया तो इसके बाद यूरोपा में ना ही कभी कोई शांति होगी और ना ही कोई जनजाति क्रॉस के अलावा इस कॉन्टिनेंट पर बचेगी, जिसके बाद इस पूरे कॉन्टिनेंट पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस का ही राज होगा। इसलिए डेविड लिप से कहता है कि अगर तुम दोबारा अपने पिता और भाइयों से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे फादर यानी कैमरून को मारकर आर्मी का कंट्रोल तुमको अपने हाथ में लेना होगा। इसमें तुम्हारी मदद मेरे कुछ सोल्जर करेंगे। जब लिप डेविड से मिलकर बाहर आती है तभी वहाँ कमांडर आता है, जो लिप से कहता है कि जनरल कैमरून तुमसे 9 बजे रात को मिलना चाहते हैं। फिर कमांडर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिव ग्रेटा से मिलती है। ग्रेटा उसे एक सीरम देता है और लिव से कहता है कि साइलारिन है जो जासूसों द्वारा विकसित एक जहर है, इसे खाने पर दर्द रहित कार्डियो अरेस्ट आता है जिससे किसी भी इंसान की मौत कुछ ही घंटों में हो जाती है। आगे हम लिव को जनरल कैमरून के साथ ड्रिंक शेयर करते हुए देखते हैं। यहाँ लिव के पास मौका था कि वह कैमरून के शराब में जहर मिलाकर उसे मार देती, पर लिव ऐसा नहीं करती क्योंकि कैमरून लिव को बताता है कि वह क्रॉस के साथ शांतिपूर्वक समझौता करना चाहता है। साथ ही वह क्रॉस से ग्रेटा के बदले लिव के परिवार को छोड़ने के लिए कहेगा। इधर ब्रांटोक में कियानो फिर से वावारा के साथ रात बिताता है। वह वावारा से बोझ में लड़ने के बारे में पूछता है लेकिन वावारा उसे मना कर देती है। अगली सुबह हम वावारा को कार में कियानो के साथ कैपिटान के महल जाते हुए देखते हैं। महल में पहुँचने पर कैपिटान वावारा से उसे अटलांटियन क्यूब के बारे में पूछता है। वावारा कैपिटान को बताती है कि उसके पास वह अटलांटियन क्यूब नहीं है। जब कैपिटान को पता चलता है कि अटलांटियन क्यूब वावारा के पास नहीं है, कैपिटान काफ़ी नाराज हो जाता है और कैपिटान वावारा से उसकी उपाधि छीनकर दूसरे क्रॉस को दे देता है। कैपिटान के महल में ही कियानो के पिता भी होते हैं और वो कियानो को देखकर बाथरूम में चले जाते हैं और कियानो भी मौका पाकर बाथरूम में जाकर अपने पिता से मिलता है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन डेविड कियानो का पीछा करते हुए बाथरूम में आ जाता है और वह इन दोनों को देख लेता है। यहाँ कियानो डेविड से कहता है कि अगर तुम किसी से कुछ भी कहे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर दोनों वावारा के पास चले जाते हैं। आगे हम वावारा के घर हक्कन में देखते हैं, जहाँ वावारा ने अपना सारा गुस्सा डेविड पर निकाल कर उसे मार डालती है। वावारा का पूरा कमरा खून से लथपथ होता है। तभी वहाँ कियानो आ जाता है। डेविड को मरा देख कर कियानो डर जाता है। फिर वावारा कियानो को अपना खंजर देती है और कियानो को अपने सीने में उस खंजर को डालने के लिए कहती है और जैसे ही कियानो उस खंजर को अपने सीने में डालने जाता है वावारा उसे रोक लेती है और कहती है कि अब तुम एक क्रॉस बनने लायक हो और वह कियानो को बोझ में लड़ने की इजाज़त दे देती है। दूसरी ओर एले और मूसा अटलांटियन क्यूब वापस लेने का प्लान बनाते हैं। मूसा ब्रेकर के गार्ड को गाली देने लगता है जिससे गार्ड मूसा के पास आता है। तभी मौका पाकर एलिया ब्रेकर के कमरे में अटलांटियन क्यूब चुराने चला जाता है। ब्रेकर एलिया को पकड़ लेता है और गार्ड भी मूसा को पकड़कर ब्रेकर के पास लाते हैं। ब्रेकर मूसा से पूछता है कि तुम इस क्यूब के साथ क्या करने वाले हो। मूसा कहता है कि हम इस क्यूब को बेचने वाले हैं। तभी एलिया ब्रेकर से कहता है कि मूसा इसे बेचना चाहता है लेकिन मैं नहीं, मैं इसे बेचने के लिए इसलिए तैयार हुआ ताकि मूसा इस क्यूब को रिपेयर कराने में मेरी मदद करे। और एलिया ब्रेकर को बताता है कि एक अटलांटियन शिप उसके गांव के पास क्रैश हो गया था। अटलांटियन पायलट मर गया लेकिन उसने मरने से पहले मुझे यह क्यूब दिया और कहा कि मैं इस क्यूब को अटलांटियन आर्क तक पहुँचा दूँ क्योंकि ईस्ट से कुछ खतरनाक चीज़ आ रही है जो पूरे यूरोपा को ख़त्म कर देगी और इसे सिर्फ अटलांटियन ही रोक सकते हैं। यह सब सुनकर ब्रेकर हंसने लगता है। तभी एलिया कहता है तुम मुझे अटलांटियन क्यूब दो, मैं यह प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि ईस्ट से कुछ खतरा आ रहा है। फिर ब्रेकर वह क्यूब एलिया को दे देता है और एलिया जैसे ही उस क्यूब को अपने फेस के सामने लाता है क्यूब एक्टिवेट हो जाता है और क्यूब वही वीडियो प्ले करता है जो अमीना के घर दिखाया था, लेकिन इस बार पूरा वीडियो दिखाता है जिसमें हम साफ साफ ब्लैक स्वार्म को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ब्रेकर क्यूब एलिया को देने के लिए मान जाता है, पर उसकी एक शर्त होती है।
कि जब भी एलिया अटलांटिड आर्क तक पहुंचेगा, ब्रेकर पहला इंसान होगा जिसे एलिया उस आर्क का पता देगा। एलिया मान जाता है। इसके बाद मूसा और एलिया उस क्यूब के साथ ब्रेकर के कमरे से बाहर आते हैं। मूसा शराब पीने के लिए अंदर बार में रुकता है और एलिया क्यूब लेकर वैन के पास आता है और तभी वहाँ पर क्रोज आ जाते हैं और वह ब्रेकर के शॉप में जाकर गोलियाँ चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर जो क्यूब होता है वह खतरा महसूस करता है, जिसके वजह से वह खुद को एक वेपन के रूप में बदल लेता है। और एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।